अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल ऑल इन वन मिंचनाबाद के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। बरसगीर पाक व हिंद की तारीख के सबसे अहम राजों में से एक अहम राज ये भी है कि पुरानी और तरक्की याफ्ता तहजीब, जिसे हड़प्पा तहजीब भी कहा जाता है, आखिर वो कैसे इस दुनिया से मिट गई और ऐसी क्या वजह थी कि उसे बिल्कुल जो है वो इस दुनिया से मिटा दिया गया। आज हम आपको बताएंगे कि ये तहजीब कैसे सफ़ायस्ती से जो है वो बिल्कुल मिटा दी गई थी। आखिर उन लोगों में ऐसा क्या था जो उनकी तबाही का बायस बना। हड़प्पा पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर साहिवाल में मौजूद है। ये मकाम 1920 में माहरीन आसार कदीमा ने खुदाई के दौरान दरियाफ्त किया और हड़प्पा की तहजीब और सकाफत के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक वादी सिंध की जो तारीख है वो 5000 कब्र मसीह तक फैली हुई है। इस इलाके के कस्बे कदीम तहजीब और सकाफत के आसार को अपने अंदर समेटे हुए हैं। नाजरीन ग्रामी, आज यहाँ बड़े बड़े शहर मौजूद हैं, जबकि किसी ज़माने में यहाँ पे रेत के बड़े बड़े टीले हुआ करते थे और किसी के तस्वर में भी ना था कि इन टीलों के नीचे कभी एक कौम आबाद थी जिसे मुकम्मल तौर पर फरामोश किया जा चुका था। नाजरीन, 1920 में हड़प्पा के मकाम पर माहरीन आसार कदीमा ने खुदाई का काम शुरू किया। उनका ख्याल था कि यहाँ कुछ कदीम अशिया मिलेंगी, लेकिन इनकी तौक्वार से बढ़कर चीज़ें दरियाफ्त हुईं और यहाँ पर पूरा शहर दरियाफ्त हुआ। इस प्रोजेक्ट को मजीद वसी किया गया और इर्द गिर्द की जो ज़मीन है उसकी भी खुदाई की गई। हड़प्पा के अंदर जो है माहरीन ने 8 मजीद गांव जो है दरियाफ्त किए। उन्होंने ये इलाके तो दरियाफ्त कर लिए, लेकिन ये वो पता नहीं लगा सके कि यहाँ पे कौन लोग रहा करते थे और ये पहली बार इन शहरों कब बनाया गया था ये भी मालूम नहीं हो सका। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 2250 कबल मसीह तक ये इसकी तरीक फैली हुई है, जबकि कुछ माहरीन के मुताबिक ये इससे भी ज़्यादा अरसे की फैली हुई है। दोस्तों, ये जो तारीख़ के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मरकज़ रहा है ये हड़प्पा। जो माहरीन हैं उनका ये कहना है कि यहाँ के जो लोग थे उनका पेशा जो था वो ज़रात था और ये जो मकान थे इनके ये जलाई हुई ईंटों से बनाए गए थे और इनमें जो पानी की निकासी का इंतज़ाम था वो भी बेहतरीन था और यहाँ पर जो सड़कें थीं वो भी कुशादा थी और यहाँ पे हर घर के अंदर जो है वो पानी के अंदर पानी का कुआं हुआ करता था जिससे वो पानी भरते थे। सड़कें कुशादा थी और यहाँ कब्रें भी मिली हैं जिससे मालूम होता है कि यहाँ के रहने वाले लोग मुर्दों को जो है वो दफन किया करते थे। यहाँ के जेवरात भी मशहूर थे क्योंकि यहाँ हार, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ या दीगर ज़रात भी मिले हैं। इसके अलावा लोगों में कुत्ते, बिल्लियाँ, घोड़े, बकरी इस तरह की चीज़ों को पालने का भी शौक़ था। नाजरीन ग्रामी, हड़प्पा में तमीराती मनसूबों पर भी काम किया जा रहा है। कुछ पुराने लोगों का कहना है कि यहाँ पे जालिम हुक्मरान थे जो कि दूसरों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। इस शहर में ख्वाहिशें आम थीं, गरीबों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़हीन थे। इतने कदीम वक्त में उनका जो रहन सहन था वो आज के मौजूदा रहन सहन के मुताबिक था। यही वजह है कि उस कौम पर जो है अल्लाह की तरफ से 3 दफ़ा जो है वो आफत आई और 3 बार इस शहर को जो है वो उल्टा दिया गया। इस बात का सबूत इस रिपोर्ट से मिलता है कि माहरीन आसार कदीमा का ये कहना है कि खुदाई के दौरान कुछ ऐसे घर भी मिले हैं जिनकी छतें तो घर के नीचे थीं लेकिन उनकी बुनियादें ऊपर थीं। इसके अलावा यहाँ कई कदीम इमारात भी मिली हैं जिनमें से एक पुरानी मस्जिद भी है जिसे रेत से निकाला गया है। ताहम ये मस्जिद अब भी शानदार है और यहाँ आने वाले सियाह इस मस्जिद को ज़रूर देखते हैं। मस्जिद को जिस तरह तामीर किया गया है इससे मालूम होता है कि ये मुग़ल दौर में तामीर की गई थी। इस इलाके में एक दरबार भी है जिसे हज़रत बाबा नूर शाह का मज़ार कहते हैं और ये इनका जो कब्र मुबारक है वो 9 गज़ लंबी है। नाजरीन, हड़प्पा के करीब एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है जिसके वस्त में एक मज़ार भी है। कहा जाता है कि ये मज़ार एक सूफ़ी का है। हड़प्पा म्यूज़ियम सियाहों की दिलचस्पी का मरकज़ होता है। यहाँ कदीम ज़माने की बेशुमार अशिया मौजूद हैं
हड़प्पा की दरियाफ्त के वक्त जो भी बर्तन जेवरात तो ढांचे वगैरह और पेंटिंग वगैरह जो भी मिला था उन्हें अजायब घर में जो है वो महफूज करके रख दिया गया है। नाजरीन, पुराने दौर में यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार लगाया जाता था जहाँ बर्तनों और मशनू जेवरात से मलबूस जूतों और खाने पीने की अशिया वगैरह के स्टॉल लगाए जाते थे। यहाँ के लोग चाय के बहुत शौकीन हैं, भैंस वगैरह पालना इन यहाँ के लोगों का जो है वो अहम पेशा है और ज़रात से सारे मुंसलिक हैं। नाजरीन, अब हड़प्पा शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मेले और फंक्शंस वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो है इस तरह के फेस्टिवल्स का इनेकाद भी किया जाता है। इस मौके पर मकामी बशिंदे मौसीकी प्रोग्राम मुनक्कद करवाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।